तो चक्र वक्र भ्रष्ट भ्रंजा हमारे हाथ में नहीं है। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने प्रथम श्लोक लिखा सत्चित आनंद परमात्मा का एक नाम है सत्य जो त्रिकालावादी सत्य आदि मध्यांत सत्य जो अपरिवर्तनीय सत्य है जिसको बदला जा सकता नहीं कदापि उसको हम सब लोग बोलते हैं। दिन भर में व्यक्ति 50 बार झूठ बोलेगा उसकी कोई गिनती नहीं होती पर गलती से एक बार सच बोल जाए तो कहेगा कि हरिश्चंद्र के बाद अपना ही नंबर आता है। सत्यवादी हरिश्चंद्र झूठ 50 बार बोले दिन में कोई गिनती नहीं। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। चित्त चित्त माने प्रकाश। जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है जिसके प्रकाश से करोड़ों सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हों जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड डोलते हों यदि फूलों में सुगंध वो है तो रंग भी वही है। ये जो प्रकृति हरी भरी दिखाई दे रही है ना वहां ये पेड़ पौधे मनुष्य जीव जंतु ये क्या है ये सब परमात्मा माँ के बिहारी श्री राम जी का एक बगीचा है। हम लोग बगीचा लगाते देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ भी लगे कुछ असली है तो कुछ प्लास्टिक के हैं पर है तो सही। कोई गुलाब के लग रहे हैं तो कोई सूरजमुखी लग रहे हैं तो क्या हैं? इस रंग बिरंग की दुनिया को देखिए महाराज किसने बनाया। हमारे वृंदावन के संत तो गाते हैं गाइए मेरे साथ एक पंक्ति ओ यह जग राम बगीचा साधु यह जग राम बगीचा यह जग राम बगीचा साधो यह जग राम बगीचा ओ बगीचा यह जग राम बगीचा साधो यह जग राम बगीचा देखो कितने कितने रंग में रहता है। आपने कभी देखा होगा किसी पौधे को देखना पेड़ को देखना राम जी ही पेड़ बने हैं वही जड़ बने हैं मूल वही पत्ते हैं वही फूल है वही वृक्ष है वही है मूल वही है मूल वही है पत्ते वही है फूल वही है पत्ते वही है फूल और जल भी स्वयं राम जी बन गए पानी रूप राम जी ने ही पानी रूप राम जी ने ही स्नेह जल से सींचा साधो यह जग राम बगीचा
आपने कभी देखा होगा आईना लगा होता है, आईने पर कई बार चिड़िया बैठ जाती है और चिड़िया जब आईने पर बैठती है तो उसी चिड़िया का प्रतिबिंब उस आईने में दिखाई देता है। लेकिन ये बात वो चिड़िया नहीं जानती, उसको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ये सोचती है अरे अरे ये मेरी जैसी दूसरी कहां से आ गई, तो उस पर चोंच मारती है, आईने पर चोंच मारती है। अब एक बार बताइए, आईने में दिख रही चिड़िया का जो प्रतिबिंब है और बाहर जो आईने पर बैठी चिड़िया है, क्या दोनों अलग अलग है? एक ही है, जो दिख रही है वो भी वही है और जो बैठी है जो देख रही है वो भी वही है, अंतर नहीं है, प्रतिबिंब नजर आ रहा है। भीतर एक अनेक है बाहर, मैं कला कर रहा हूँ, मेरे भीतर बैठी हुई परमात्मा की अंश जीवात्मा भी वही है और आप अनेक लोग बैठे हैं, आपके भीतर बैठी आत्मा भी राम जी की अंश है, अंतर है क्या? भीतर एक अनेक है बाहर, लेकिन भीतर बाहर एक बराबर, ज्ञान कब होगा कि मेरे अंदर बैठी आत्मा भी वही है और कुत्ते में आत्मा वो भी वही है, गधे में भी परमात्मा है, ये ज्ञान कब होगा? मिला मरम गुरु ज्ञान के मरे, मिला मरम गुरु ज्ञान के मरे से सब फोटो खींचा सर जग राम भतीजा। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं, जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं, लेकिन कोई राजेश रंग है कोई राजेश रंग है कोई, अरे कोई ऊंचा कोई नीचा, साधु यह जग राम बीजा, यह जग राम बीजा, साधु जग राम के द्वारा बनाए हुई ये प्रकृति उनका बगीचा है भाई। जीवन पथ में जो भी मिले हैं प्यारे, तरह तरह के फूल खिले हैं, जो परमात्मा स्वयं प्रकाश का स्वरूप है उसका नाम है चित्त, और परमात्मा का तीसरा नाम है आनंद। दुनिया की
हर बात को हर शब्द को आप पलट सकते हैं, लेकिन आनंद का कभी उल्टा होता नहीं है। आनंद को कभी उल्टा कर सकते हो? एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था, थी तो वहां राम कथा, लेकिन वहां भी रामायण में कथा आती है ये वाली, तो हमने ऐसे ही बोल दिया कि भैया आनंद का कभी उल्टा होता नहीं। एक सज्जन बीच परम ज्योति परम आत्म ज्ञान की